अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आज बात सियासत की करते हैं। सभी जानते हैं कि भारत की सियासत मुसलमानों के इर्द गिर्द घूमती है। हिंदू हिंदुत्व हिंदू राष्ट्र की तैयारियां हो रही थी। राम मंदिर की तामीर को भी मुल्की सतह पर जश्न के तौर पर मनाया जा रहा था, लेकिन बदनसीबी से कहा जाए तो भारत में हिंदुत्व से मुराद ही मुस्लिम दुश्मनी के तौर पर पेश किया जाता रहा। 20-25 साल पहले जाकर देखेंगे तो हिंदू मुसलमानों की गंगा जमनी तहजीब को महसूस किया जाता रहा। खैर, खुलकर कहा जाए तो आने वाले हालात के बारे में कभी हमारे सियासतदान ने या यूं कहिए कि हमारे इल्मी माहिरीन ने मिल्लत को बताया ही नहीं। आज इस मौजू पर बोलने की जरूरत इसलिए हुई क्योंकि सभी ने यह उम्मीद लगाई थी कि अगर इंडिया गठबंधन की हुकूमत आती या नहीं भी आती तो मोदी हुकूमत सत्ता पर फाइज होने के लिए मुश्किल जरूर होगी, तो मुसलमानों को लेकर इनका रवैया नरम हो सकता है। इससे पहले भी हमने कई वीडियोस में इस बात का तस्करा किया हुआ है कि मुसलमानों के पास आज भी किसी तरह का कोई मंसूबा नहीं है जिससे आने वाली नस्ल बिल्कुल यानी कि एज पर आखिरी सिरे पर आकर खड़ी है। आज बात करते हैं लोकसभा चुनाव के बाद मुसलमानों के लिए क्या हालात बदले हैं। एक बात को इस चुनाव में शिद्दत से महसूस किया गया कि मुसलमानों ने बड़े ही जोश और खरोश के साथ वोटिंग में हिस्सा लिया। पूरे मुल्क में वोटिंग फीसद को बढ़ाया ताकि मोदी हुकूमत को सत्ता से उतारा जाए। कर्नाटक में भी इसी तरह विधानसभा चुनाव में हमने मुसलमानों के चुनावी जोश को देखा था, पर क्या इंडिया गठबंधन के जीत के बाद मुसलमानों के हालात बदले हैं? यह सवाल जिस तरह पहले था उसी जगह पर आज भी खड़ा नजर आ रहा है। कुछ वारदातों का जिक्र हमने पिछले वीडियोस में भी किया था, लेकिन वारदातें तेजी से यानी कि मुसलमानों के खिलाफ जो वारदातें पेश आ रही है वो तेजी से और आगे बढ़ रही है। अब तो नए नए कानून पास किए जा रहे हैं, पुलिस महकमा को ज्यादा आजादी दी जा रही है ताकि किसी कानूनी दायरों में पुलिस अफसरान की जवाबदेही ना हो, और इन बदलते हुए नए कानूनों का ज्यादा असर भी बदकिस्मती से ही कहा जाए तो मुसलमानों पर ही होने वाला है, क्योंकि इसके आगे भी मुसलमानों को ही निशाना बनाने की वारदातें पेश आएंगी। ये अलग से बोलने की जरूरत नहीं है। वैसे तो कई सारी दफाओं को बदल दिया गया। संसद में वजीर दाखला अमित शाह ने नए कानूनों को तब्दील करते हुए अब अंग्रेजों के जमाने के वो कानूनों को बदलकर नए कानून बनाए गए। पहले इन्हें इंडियन पिनल कोड 1860 द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर और द इंडियन एविडेंस एक्ट कहा जाता था। अब इसे इंडियन सिविल सिक्योरिटी कोड BNSS एक्ट 2023 यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS अधिनियम 2023 कहा जाएगा। दूसरा इंडियन जस्टिस कोड BNS एक्ट 2023 यानी भारतीय न्याय संहिता BNS एक्ट 2023 और इसी तरह इंडियन एविडेंस एक्ट 2023 भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA अधिनियम 2023 कहा जाएगा। इस बात का जिक्र इसलिए भी करना जरूरी समझ रहा हूं क्योंकि जिस समाज को इसकी कीमत सबसे ज्यादा चुकानी पड़ सकती है आगे उसे कुछ इसके बारे में मालूम ही नहीं, लिहाजा कुछ तंजीमों ने इसकी मुखालिफत भी की है और ये मुसलमानों की तंजीमें नहीं है। इन तीनों कानूनों को लेकर 28 जून को मुंबई के माही में सेंट माइकल चर्च में 1 जुलाई से नाफिज होने वाले इन तीनों क्रिमिनल लॉज पर बहस का एहतमाम किया गया था। इस इजलास का एहतमाम बॉम्बे कैथोलिक सिटीजंस फॉर जस्टिस एंड पीस, लोक मोर्चा, प्रोग्रेसिव रिपब्लिक फ्रंट और वोट फॉर डेमोक्रेसी इन तंजीमों ने मिलकर किया था। इस इजलास के अहम मेहमान सुप्रीम कोर्ट की वकील वृंदा ग्रोवर, बॉम्बे हाईकोर्ट के वकील विजय हिरेमन और तंजीम इंसानी हुकूक यानी कि ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन और जर्नलिस्ट मशहूर सहाफी तीस्ता सतलवाड़ इसमें शरीक रहे। नए तीन कानूनों को लेकर बहस हुई जिसमें बताया गया कि पुलिस अफसरान को कानून के दायरों से आजादी आम इंसानों को मुश्किल में डाल सकती है। इन्होंने तीनों कानूनों की मुखालिफत की। किसी गिरफ्तारी की वजह मजबूत होनी चाहिए। अगर कोई अफसर महज तफ्तीश के बुनियाद पर या उसके नाम पर किसी भी शख्स को ले जाने लगे और इनकी कोई जवाबदेही तय न होगी तो खाकी वर्दी में ही जुल्म को बढ़ावा देने के बराबर होगा। इंडियन पिनल कोड अंग्रेजों के थे, लिहाजा पूरी तरह भारतीय कानून व्यवस्था के नाम पर जुल्म जबर को बढ़ावा देने के कानून नाफिज किए जा रहे हैं ऐसा इन्हें कहते हुए देखा गया। भाजपा की मोदी सरकार ने तीन नए कानून 1 जुलाई से लागू किए, इन्हें फौरन रोका जाए ऐसा इनका कहना है और इसके लिए इन्होंने वजीर आजम मोदी के साथ सुप्रीम कोर्ट से भी फरियाद की है। खैर, इन तमाम के बाद मुस्लिम समाज कहां खड़ा है और इसको इससे कुछ फर्क पड़ भी रहा है या नहीं, ये भी समझने की जरूरत है। अब तक किसी भी मुस्लिम इदारे या तंजीम ऐसे ऐसे लीडर मौलवी ने अब तक तो आवाज उठाते हुए हमने नहीं देखा है। मैं शक की बुनियाद पर उठाने का हक अगर पुलिस को मिलता है तो किस समाज को ज्यादा कीमत इसकी चुकानी पड़ सकती है समझने की जरूरत है। लोकसभा चुनाव में
खुद वजीर आजम ने मुसलमानों के खिलाफ नफरती बयानबाजी खुलकर की। खासकर अगर ऊपर हिंदी बेल्ट की बात की जाए, हिंदी पट्टी की बात कही जाए, तो यहां भी हिंदुत्व का असर कम ही नजर आया। तभी तो यूपी कैराना के हिंदू जाटों ने मुस्लिम उम्मीदवार इकरा हसन को वोट देकर जिताया। मुसलमानों ने तो एक तरफा वोट देकर नफरती सोच फिक्र को हराने के लिए मोहब्बत की दुकान वाले इंडिया गठबंधन को बिना किसी मुफाद के वोट दिया, ताकि मुल्क की गंगा जमनी तहजीब जिंदा रहे। खैर हुआ भी यही, और ये अच्छा भी हुआ कि मोदी को जिस तरह से एक अहंकार ने घेर लिया था, उनका वो घमंड टूट चूर चूर हो। चुनाव के बाद मुसलमानों इनके घरों पर बुलडोजर मॉब लिंचिंग के जरिए कई मुस्लिम नौजवानों की मौत सोचने पर मजबूर जरूर करती है, और साथ में इंडिया गठबंधन की खामोशी पर भी सवाल करती है। संसद में जय श्री राम से लेकर जय फलस्तीन तक देखने को मिलता है, संविधान को हाथ में लिए संविधान की दुआई भी देखने को मिली, पर मुसलमानों के तहफ्फुज का कोई वादा यहां देखने को नहीं मिला। मुसलमानों पर हमले बराबर चल रहे, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर हक और बातिल की लड़ाई की तरह वोटिंग को बताने वाले, मस्जिदों से ऐलान करने वाले मौलवी भी मुसलमानों के कत्लेआम पर बुलडोजर से हजारों मकान गिराने पर खामोश है। बढ़ती नफरत की वारदातें गोया भारत में मुसलमानों के जिंदा रहने का हिस्सा समझा जा रहा है, कहीं पर भी किसी तरह आवाज उठती नजर नहीं आ रही। जिस तरह हमने इस्लाम मुसलमान दीन को समझते जा रहे हैं, आने वाले दिन खतरनाक तो है ही, शायद इनका मुकाबला करने की कुव्वत तो दूर की बात, क्या जुल्म को जुल्म ही समझा जाएगा? ऐसा सवाल भी जहन में आना अब लाजिम होने लगा है। छत्तीसगढ़, अकबरपुर, यहां तक तेलंगाना, महाराष्ट्र में हजारों की हिंदुत्व भीड़ मुसलमानों पर हमलावर हुई। गोहत्या के फर्जी मामलों को दलील बनाकर मुसलमानों को मोहल्ला खाली करने की धमकी दी जाती है। दिल्ली में भाजपा नेता 1,00,000 मुसलमानों के कत्लेआम की बात खुले मंचों से करता है। मध्य प्रदेश में एनक्रोचमेंट के बहाने हजारों घरों को ढा दिया जाता है। मंडला, जोरा, रतलाम, सिवनी और मुरैना जिलों में दर्जनों मुस्लिम घरों को बुलडोजर से गिरा दिया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि लोकसभा चुनाव में सुबह नमाज के बाद घरों से निकलकर सेक्युलर पार्टियों को हराने के लिए वोट किया, तो आखिर जुल्म रुक क्यों नहीं रहा? इंडिया गठबंधन ने अच्छी जीत हासिल की, यहां तक योगी के यूपी में भी समाजवादी पार्टी कांग्रेस ने भाजपा को हराया, फिर जुल्म रुक क्यों नहीं रहा? सबसे पहले तो सवाल मुस्लिम लीडरों पर, दीनी रहनुमाओं पर ही उठाना होगा कि जब सेक्युलर ताकतों ने नफरती भाजपा को हराया था, तो अब भी मुसलमान निशाने पर क्यों है, और इंडिया गठबंधन की खामोशी क्या कहती है, और इनसे सवाल क्यों नहीं किए जा रहे? मतलब साफ है कि मुसलमानों ने जुल्म को अब कबूल ही कर लिया है। अब ये तो चलता रहेगा, इसी ज़हनियत मुसलमानों में धीरे धीरे बनती नजर आ रही है। लीडर, नेता, दीनी रहबर सभी अपनी अलग अलग जिंदगी जीने के आदी हो चुके हैं, लिहाजा नई कयादत की जरूरत महसूस की जा रही है, जिसकी तलाश इस दौर के नौजवान नस्ल को करनी होगी, वरना देखते देखते बहुत देर हो जाएगी। इतना जरूर, आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।